नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, कहते हैं भक्ति जात पात और धार्मिक बंधनों को नहीं मानती है। भगवान कभी भी अपने भक्त में भेद नहीं करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उनका भक्त किस जाति या किस धर्म का है। भगवान तो केवल अपने भक्त की प्रेम और श्रद्धा को ही देखते हैं। जहाँ हृदय में सच्चा प्रेम होगा, वहाँ भगवान हमेशा हाजिर रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुस्लिम भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे, जिन्होंने धार्मिक बंधनों को तोड़कर श्री हरि की सच्ची मन से आराधना की और उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त की। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो। आधुनिक बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक गांव था बोढ़न, जहां एक मुस्लिम परिवार रहा करता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। ये केवल पूर्व जन्मों के संस्कार और संचित कर्म ही थे कि बचपन से ही हरिदास खां का मन हरिनाम जपने में लगता था। जैसे ही हरिदास खां थोड़े बड़े हुए, उन्होंने वैराग्य ले लिया, घर त्याग दिया और वन ग्राम के पास कुटिया बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जाप करते थे और जाप भी तेज आवाज में करते थे। आसपास के लोग संध्या के समय उनके पास आया जाया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भगत जी, आप हरिनाम का जाप इतनी जोर से क्यों करते हो? तो हरिदास खां बोले, भाई, हरिनाम का जाप जोर जोर से करने पर मन और आत्मा पवित्र हो जाती है। आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं तथा वातावरण में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वे भी हरिनाम की पवित्र ध्वनि को सुनते हैं, जिससे उनका भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। मैं इसीलिए जोर जोर से हरिनाम का जाप करता हूँ। धीरे धीरे हरिदास खां की ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब भी इस संसार में किसी भक्त ने पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, उसके विरोधियों ने उस भक्त को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हरिदास खां की ख्याति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। उनके विरोधियों में रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार भी था। रामचंद्र ने हरिदास खां को बदनाम करने की नीयत से एक अत्यंत सुंदर वेश्या को भक्त हरिदास खां की कुटिया में भेजा। वेश्या धन की लालची थी। वह भक्त हरिदास की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गई। वेश्या रात के समय भक्त हरिदास की कुटिया में गई। जब वेश्या भक्त हरिदास की कुटिया में पहुंची, तो उस समय वे हरिनाम में तल्लीन थे। वेश्या ने भक्त जी की तपस्या भंग करनी चाही। जब वह सफल न हुई तो उसने निर्लज होकर अपने सारे वस्त्र उतार दिए और नग्न हो गई। लेकिन भक्त हरिदास खां तो प्रभु ध्यान में तल्लीन थे, वे टस से मस भी न हो गए। वेश्या रात भर भक्त हरिदास जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह सफल न हुई। थक हार कर सुबह होते ही वेश्या वस्त्र पहनकर जाने लगी। तभी भक्त हरिदास खां जी की समाधि खुल गई और वे उस वेश्या को देखकर बोले, देवी, आप कौन है और आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? वेश्या कुछ न बोली और मुस्कुराकर चली गई। इसके बाद वेश्या लगातार 3 दिनों तक रात में भक्त हरिदास खां की तपस्या भंग करने के लिए आती रही, लेकिन सफल न हो सकी। उस वेश्या का भक्त हरिदास खां के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि 3 रातों तक लगातार हरिनाम का जाप सुनते सुनते उस वेश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। भक्त हरिदास हरिनाम का जाप करते करते रोते रहते। उनके नेत्रों से प्रभु के नाम की अश्रुधारा बहती रहती। वेश्या ने जब भक्त हरिदास जी को प्रभु के प्यार में रोते देखा, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह भक्त हरिदास जी के चरणों में लेट गई और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। लेकिन कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। अतः भक्त हरिदास जी ने उसे माफ कर दिया और प्रभु चरणों में ध्यान लगाने को कहा। इसके बाद उस वेश्या ने भक्त हरिदास जी से नाम दीक्षा ली और उसी कुटिया में रहकर हरि का सिमरन करने लगी। भक्त हरिदास जी उस कुटिया को छोड़कर वहां से शांतिपुर पहुंचे। वहां उस समय एक मुस्लिम शासक का राज था, जो हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहा था। उसके समय में हिंदुओं को अपने धर्म को निभाने में समस्याएं आ रही थी।
भक्त हरिदास खां एक मुस्लिम फकीर होते हुए भी हरि के नाम का सिमरण करते थे। ये बात बादशाह के सिपाहियों ने जाकर बादशाह को बताई कि हे बादशाह सलामत, आपके राज्य में हमारा ही एक मुस्लिम भाई हिंदुओं के देवता की इबादत कर रहा है। हम तो हिंदुओं को मूर्ति पूजा को छोड़कर इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, जबकि हमारा ही एक मुस्लिम भाई हिंदुओं के हरि के गुण गा रहा है। इससे हमारा मिशन भला पूरा कैसे होगा? बादशाह ने तत्काल अपने सिपाहियों को भक्त हरिदास जी को पकड़कर जेल में डालने को कहा। हुक्म की तामील की गई। सिपाहियों ने भक्त हरिदास को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन भक्त हरिदास जी तो प्रभु के रंग में रंगे थे। उन्होंने जेल में भी हरि नाम जपना नहीं छोड़ा। जेल में अन्य कैदी भी हरि का नाम जपने लगे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति पूरे जेल में फैल गई। यह बात बादशाह तक पहुंची। भक्त हरिदास पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने भक्त हरिदास से कहा, हरिदास, तुम एक मुसलमान होते हुए भी काफिरों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जन्म एक मुस्लिम परिवार में बड़े भाग्य से हुआ है, इसलिए अब तुम ये काफिरों वाली बातें छोड़ दो और कलमा पढ़कर एक सच्चे मुसलमान बन जाओ। यह सुनकर भक्त हरिदास जी बोले, काजी साहब, परमात्मा की बंदगी करने के लिए किसी धर्म का होना जरूरी नहीं है। वो रब हिंदू मुस्लिम सबको एक समझता है। जब उस रब को मेरे मुस्लिम होते हुए हरि नाम जपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इससे आपको क्या परेशानी है? यह सुनकर काजी गुस्से से बौखला उठा और बोला, या तो कलमा पढ़ो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भक्त हरिदास ने कहा कि काजी साहब, आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। काजी के कहने पर बादशाह ने सजा सुनाई कि इस हरिदास को 22 गांवों में घुमाया जाए और इसको तब तक बेंत मारी जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। हुक्म की तामील हुई। भक्त हरिदास जी को बेंत मार मार कर गांव-गांव गली-गली घुमाया गया, लेकिन भक्त हरिदास जी तो प्रभु के रंग में रंगे थे। उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर कर लिए। सिपाही उन्हें मार मार कर थक गए, लेकिन भक्त जी के मुंह से उफ तक ना निकली। आखिर में सिपाहियों ने भक्त जी को मरा समझकर नदी में फेंक दिया। लेकिन जिसका रखवाला स्वयं पालनहार हो तो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भक्त हरिदास जी पुनः जीवित होकर नदी से बाहर आ गए। ये चमत्कार देख सिपाही भक्त जी के चरणों में पड़ गए और उनसे माफी मांगने लगे। भक्त जी ने उन्हें तुरंत माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि भक्ति सच्ची हो तो उस महापुरुष का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में प्यार से हमारे साथ बोलिए, जय श्री हरि।